Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. वाम दलों के लिए बिहार महागठबंधन का हिस्सा बनने की सहमति के बाद सबसे अधिक चर्चा इस बात की है कि कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव अब एक मंच पर नजर आएंगे। जाहिर है इन दोनों युवा नेताओं के साथ आने का असर बिहार विधानसभा चुनाव में भी पड़ सकता है। हालांकि अब इस मसले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। गठबंधन में शामिल सीपीआई ने कहा कि पार्टी कन्हैया को चुनाव मैदान में उतारेगी और तेजस्वी के साथ मिलकर वह चुनाव प्रचार करेंगे। हालांकि आरजेडी इसके साथ ही यहीं भी बताने पर उतर गई है कि बिहार में सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव हैं। वहीं बीजेपी और जेडीयू कह रही है कि दोनों नेताओं में जमीन आसमान का अंतर है। बता दें कि शनिवार को सीपीआई नेता विजय नारायण मिश्र ने कहा कि सीपीआई ज्यादा से ज्यादा जगहों पर कन्हैया को उतारने की योजना पर काम कर रही है। इसके साथ ही यह भी रणनीति बन रही है कि तेजस्वी और कन्हैया दोनों मिलकर चुनाव प्रचार करें। ऐसा होता है तो बिहार को बदला जा सकता है। कन्हैया को लेकर तेजस्वी की क्या समझ है पता नहीं, पर अगर साथ होकर प्रचार करेंगे तो बड़ा बदलाव नजर आएगा। वहीं आरजेडी खुलकर कन्हैया के साथ आने की बात पर परहेज करती दिख रही है। पार्टी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि तेजस्वी बिहार के सबसे बड़े नेता हैं, साथ जो भी आएगा उनका स्वागत होगा। वाम दलों के साथ गठबंधन है तो जो भी प्रचार में आएंगे उनका स्वागत है। दोनों युवा हैं और दोनों के साथ आने से मजबूती होगी। वहीं बीजेपी ने तेजस्वी कन्हैया के साथ हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा है कि कन्हैया जेएनयू के फर्जी समाजवादी हैं और तेजस्वी विरासत में मिली राजनीति को संभाल रहे हैं। कन्हैया सीपीआई का प्रोपेगेंडा है और कन्हैया के बहाने तेजस्वी को खत्म करने की साजिश है। अब या तो तेजस्वी रहेंगे या फिर कन्हैया। वहीं कन्हैया तेजस्वी के साथ पर जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि कन्हैया जेएनयू के पास छात्र हैं जबकि तेजस्वी नवीं फेल छात्र हैं। तेजस्वी और कन्हैया का कोई तालमेल नहीं। जो भी साथ आ जाए बिहार की जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिताएगी। सीएम नीतीश के अलावा जनता का समर्थन किसी को भी नहीं मिलेगा। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।